देश में केंद्र की सरकार और राज्य सरकारों के बीच टैक्स के बंटवारे का नया खाका तैयार करने के लिए 16वें वित्त आयोग ने हिमाचल का रुख किया। शिमला के पीटरहॉफ होटल में वित्त आयोग की टीम के सामने सरकार और आला अधिकारियों ने राज्य का खुला पक्ष रखा, जिसमें लगभग 90 पन्नों की रिपोर्ट वित्त आयोग के सामने पेश की गई। हिमाचल पहला राज्य है जहां से नए वित्त आयोग की टीम इस पहाड़ी राज्य के पक्ष को जानकर अन्य 28 राज्यों में भ्रमण के बाद टैक्स बंटवारे का प्रारूप तैयार करेगी। 16वें वित्त आयोग से हिमाचल ने अपने जल और वन संसाधन के दोहन पर वाजिब हक देने की मांग की। मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर ने राज्य का पक्ष रखते हुए वाटर सेस लगाए जाने का अधिकार मांगा, साथ ही वनों के संरक्षण की आवाज ने केंद्र सरकार से विशेष वित्तीय मदद दिए जाने की भी मांग की है। हालात का व्याख्यान उनके सामने किया और जिस प्रकार प्रदेश कर्जे के नीचे दबा है और कर्जा चुकाने के लिए हमें कर्जा लेना पड़ रहा है, पिछली भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश पर इतना कर्जा चढ़ा दिया है, हमने उनके पास वो बात रखी। हमने कहा कि हमारा RDG ग्रांट का दायरा बढ़ना चाहिए, 41% जो टैक्सेस में हम स्टेट्स के बीच बढ़ते हैं उसमें हिल स्टेट का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। हिल में कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ज़्यादा आती है, पैमाने प्लेन इलाके के नहीं चलेंगे, पहाड़ में कुछ और बात होती है, इस संदर्भ में हमने बात की है। आयोग का कहना है कि सभी राज्यों से उसकी स्थिति और अपेक्षाओं को इकट्ठा कर सभी के लिए एक समान आधार पर रिपोर्ट तैयार करके केंद्र में सौंपी जाएगी, जिसके बाद अलग अलग मापदंडों के आधार पर सभी राज्यों को केंद्र से मिलने वाले ग्रांट का आवंटन होगा। शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट, सूर्या समाचार।